हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट सर अभी अभी जो आया है सीजीएल 2019 का, उसमें जो कट ऑफ गई है वो तो बहुत हाई गई है सर। और मतलब बच्चे 700 में से 710 नंबर ला रहे हैं, कट ऑफ 700 में से 624 चली जा रही है, तो इतना हाई कट ऑफ है, तो टीयर वन में सर कितने नंबर लाए जाएँ जो अभी हमारा अगस्त में शेड्यूल्ड है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो बिफोर आई स्टार्ट, अन अकेडमी पर मेरे ये बैचेस हैं पैसिव वॉइस और नरेशन का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 23 जुलाई से रात 8 बजे शुरू हो रहा है और एंटोनिम्स और सिनोनिम का बैच अभी 15 जुलाई से शुरू हो गया है दोपहर 3 बजे, इसमें हमारी क्लास होती है। इसके अलावा डेली 2 फ्री क्लास होती हैं, रीजनिंग की दोपहर 1 बजे और इंग्लिश की रीजनिंग की दोपहर 1 बजे और इंग्लिश की शाम को 5 बजे। ये दोनों फ्री क्लासेस हैं, इनका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलता है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस इसके अलावा चल रहे हैं, आप उनमें भी सब्सक्रिप्शन लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 मंथ्स और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा आपको। 5850 में आपको 1.5 साल का, 7020 में तो 3 साल का और 8000 रुपये में एसएससी प्लस बैंक का 1.5 साल का और 10000 रुपये में 3 साल का एसएससी प्लस बैंक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड AMANT यूज़ करना होगा। अगर आपकी डिस्काउंट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो ये तो हमारी बेसिक बात हो गई आपकी इससे रिलेटेड। अब जैसा मैंने बताया, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया है और लिंक और कमेंट सेक्शन में भी दिया है। और इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं किया है तो भाई जरूर से कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं वोकैबुलरी के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील्स लेकर आता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे ये मेरा हैंडल है, इस पे फॉलो कर लीजिए, @AmanTrivedi ही सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। हमने जैसा बताया कि बात करने वाले हैं हम एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के सेफ स्कोर के बारे में। एक बार जरा वैकेंसीज देख लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को वैकेंसीज को लेकर डाउट रहता है। तो सीजीएल 2016 में 10,000 के आसपास वैकेंसीज थी, 8,000 के आसपास 17 में, 11,000 के आसपास 18 में और 8,000 के आसपास आपकी 19 में, और 2020 में हमें 7,000 वैकेंसीज अभी तक मिली हैं। हो सकता है ये बढ़ जाए, हो सकता है कट भी जाए, हालांकि ज़्यादातर बढ़ जाती हैं, अभी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, हो सकता है आगे चल के वैकेंसीज बढ़ जाए। तो इतनी वैकेंसीज हमें हैं। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, वैकेंसीज का टीयर 1 के कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीयर 1 की कितनी कट ऑफ जाएगी इससे वैकेंसीज का कोई लेना देना नहीं होता है। कट ऑफ कितना जाती है, 2015 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 102, लेकिन तब जब 2015 में 102 गई थी तब पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन हुआ करता था। अब जो इसके बाद से पेपर ऑनलाइन होने लगा और ऑनलाइन के बाद में जो कट ऑफ है वो 136 गई थी 2016 में, 129 गई थी 2017 में, 137 गई थी 2018 में और 147 गई थी 2019 में। देखिए, हर साल ये लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। 2017 में भी लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स बुलाए थे, कुछ यहाँ से कुछ ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए थे, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम गई, नीचे आ गई थी। यहाँ पर इन्होंने 1.5 लाख ही बुलाए थे, तो देखिए आपकी कट ऑफ 1.137 ही रही। और 147 इसलिए गई थी क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ जो कैंडिडेट्स थे वो इन्होंने 1.25 लाख बुलाए थे, तो 50,000 कम कैंडिडेट बुलाए, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन और कंपटीशन भी कारण था जिसकी वजह से ये कट ऑफ 10 नंबर ऊपर चली गई। तो ऐसा नहीं है कि इस साल कट ऑफ और 10 नंबर ऊपर चली जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करेगी पूरी तरीके से कि कितने लोग ये लोग कॉल करते हैं टीयर 2 के लिए। अगर मान लीजिए यहीं पर ये इस साल 101.25 की जगह और कम, जैसा कि हम सब डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम एक शिफ्ट में हो, तो उसके लिए मान लो सिर्फ 1 लाख लोग बुलाते हैं अगर, तो ये कट ऑफ और बढ़ जाएगी। और अगर ये वापस 1.5 लाख पे जाते हैं तो कट ऑफ और गिर जाएगी। तो कट ऑफ आप ये समझ लीजिए कि 145 के आसपास ही अपनी मानकर चलिए, क्योंकि इतने ही कट ऑफ पिछले साल गई थी। और हर साल आपको मैंने आपको दिखाया कि 137 की रेंज में जा रही है। ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि कैंडिडेट्स कम हुए हैं और कंपटीशन भी बढ़ा है। तो कैंडिडेट्स अगर और कम हुए तो और बढ़ेगी, और लगभग इतने ही रखे तो लगभग इतनी ही कट ऑफ इस साल भी जाएगी, 147-150 के आसपास, अगर कट ऑफ कैंडिडेट्स इतने ही रखते हैं तो। बाकी लेवल ऑफ एग्जाम भी मैटर करेगा, अगर लेवल ऑफ एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आ गया तो फिर नीचे आ जाएगी। ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अब जरा ये रैंक लिस्ट है आपकी सीजीएल 2019 के टॉपर्स की, ये मैंने आपकी आरबी के चैनल से जो उन्होंने सर्वे किया उसको देख के मैंने बताई। इसमें एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये जो टॉपर है जिसकी रैंक 1 आने की संभावना है, इनका टोटल स्कोर बन रहा है 724 और रॉ स्कोर इनका है 659। तो रॉ है इनका 659 और नॉर्मलाइज्ड है 724। आप ये समझिए कि कितना ज्यादा नॉर्मलाइज हुआ है स्कोर,
आपका 41 नंबर ये हुआ और 41 प्लस 24 नंबर आपका ये हुआ, तो 65 मार्क्स इनका नॉर्मलाइज होकर बढ़ा है। आप समझ रहे हैं? देखिए टीयर वन में यहां पर 190 से 206 नंबर बढ़े हुए इनके टीयर वन में नॉर्मलाइज होकर, 200 से यहां पर 246 हुआ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इंग्लिश में 197 से 199 हुआ और टीयर थ्री में 72 हुआ, ठीक है, और इनके फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर 724 था। समझ आ रही बात? अब जरा ये तो वो टॉपर कैंडिडेट हो गया, बाकी ये जो टॉप 10 या टॉप 20 में आ सकते हैं मैं इनकी संभावना बताता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग नॉर्मलाइज्ड में 700 के प्लस या 700 स्कोर कर रहे हैं। इनके जरा टीयर वन के स्कोर हम एक बारी देख लेते हैं। टीयर वन में इनका 165 था, नॉर्मलाइज होकर 194 बना। इनका टीयर वन में 179 था, नॉर्मलाइज होकर 198 बना। इनका टीयर वन में 165 था, इनका नॉर्मलाइज होकर 205 बना। इनका टीयर वन में 165 था, नॉर्मलाइज होकर 201 बना। 167 था, नॉर्मलाइज होकर 193 बना। 166 था, नॉर्मलाइज होकर 195 बना। अब ये सारे ही कैंडिडेट्स एक ही शिफ्ट के तो होंगे नहीं, क्योंकि इनका टॉप 10 में आ रहे हैं, इनका मतलब अलग अलग शिफ्ट के कैंडिडेट्स रहे होंगे। ये आपने एक चीज, एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया होगा कि अगर किसी का स्कोर 165 प्लस था तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही इज स्कोरिंग 190। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर 190 की रेंज में हो रहा है। टीयर टू में इन लोगों ने 192, 200, 200, 195, 200, 187 स्कोर किया, जो कि नॉर्मलाइज के बाद में 200 के 40 के ऊपर चला गया, क्योंकि 18 का पेपर बहुत ही वियर्ड आ गया था। इंग्लिश में भी इन्होंने इतना स्कोर किया और नॉर्मलाइज होकर ये गया। अब इनके टीयर थ्री के स्कोर देखिए, ये 74, ये 70, 59, 72, 72, ठीक है, और इनका जो ओवरऑल स्कोर बन रहा है 709, 709, 702, 701, 700 और 699। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं फिलहाल सिर्फ मेयर सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। जब आप टॉपर्स को देख रहे हैं, सिर्फ सिलेक्शन लेना होगा तो इनसे कम में भी काम चल जाएगा। मैं टॉपर की बात कर रहा हूं, जो टॉप 10 में है उनके टीयर 1 के मार्क्स आपको दिखा रहा हूं कि दे आर स्कोरिंग अराउंड 165 एंड स्टिल दे आर एबल टू गेट इन टॉप 10 और टॉप 20। यानी कि यदि कोई कैंडिडेट 160 की रेंज में स्कोर कर रहा है टीयर 1 में तो भी वो टॉपर बन सकता है, वो टॉप 10 में आ रहा है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये हो गई आपकी कैंडिडेट्स, ये सारे जेन्युइन है। इसके अलावा एक इनको देखिए, ये कोरा से मैंने लिया है, दिवजय सिंह है, ऑल इंडिया रैंक 11 है इनकी सीजीएल 2018 में। इनका देखिए, इनका प्रीलिम्स में स्कोर जो है इस बार 158.5 है, ठीक है, प्रीलिम्स में 158.5 है, क्वांट में 152.5 है, इंग्लिश में 190 है और डिस्क्रिप्टिव में 72 है। टोटल इनका रॉ बन रहा है 573 और नॉर्मलाइज्ड बन रहा है 668.1, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द सर्वे ही विल, आरबीई के सर्वे के अकॉर्डिंग ही विल गेट इन द टॉप 1000 रैंक, यानी कि इनकी टॉप 1000 में रैंक आ रही है। 1000 में टॉप रैंक आने का मतलब है कि अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको डिजायर्ड पोस्ट मिल जाएगी। एमईए हो सकता ना मिले, लेकिन एटलीस्ट आपको अच्छी पोस्ट 4600 पोस्ट आपको मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं? यानी कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट आपको मिल जाएगी अगर आप इतने स्कोर लेकर आएंगे। तो आपको इसमें क्या देख रहे हैं, प्रीलिम्स में ही स्कोर ओनली 158.5, ठीक है। सो इस पूरी मार्कशीट में जो नॉन अचीवेबल थिंग है वो क्या है, 72 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये कुछ गारंटी नहीं होता है कि डिस्क्रिप्टिव में आपको कितना स्कोर मिलेगा, वो बहुत ही थोड़ा सा लक बेस्ड हो जाता है वहां पे। लेकिन क्वांट में 152 अचीवेबल है, ठीक है, डिफिकल्ट पेपर में। प्रीलिम्स में आपका रॉ स्कोर 158.5 अचीवेबल है, 573 ओवरऑल अचीवेबल है अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो। ये मैंने आपको टॉप 10 दिखाया जहां सब 160 की रेंज में स्कोर कर रहे थे एंड स्टिल दे मैनेज टू बी इन द टॉप 20। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसा कतई नहीं है कि सिनेरियो ये हो रखा है कि अगर आपने 195 से कम स्कोर किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपना बेस्ट देकर आना है, आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट स्कोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफी कुछ आपके शिफ्ट के लेवल पे डिपेंड करेगा। उसे लक नहीं, उसे शिफ्ट के लेवल कहेंगे। अगर आपका पेपर बहुत ही इजी है, देखिए बहुत ही आसान है, जिसमें एवरेज स्कोर 190 चला जाए, यानी कि एवरेज स्कोर 190 जा रहा है, यानी कि हर लड़का वो 190 स्कोर कर रहा है, तब तो आपको 190 लाने पड़ेंगे।
अगर आपका पेपर मॉडरेट लेवल का है तो आप 160 के आसपास स्कोर करके अपना काम चला सकते हैं, और बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आ जाता है तो फिर आप इससे नीचे 140 स्कोर करके भी अपना काम चला लेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आपके शिफ्ट के लेवल पे। अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में 160 स्कोर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये सारे के सारे लोग एक ही शिफ्ट के हों। ऑब्वियसली बात है, अलग अलग शिफ्ट के कैंडिडेट्स होंगे, और सभी ने 165 प्लस जब वो ला रहे थे तो 194 की रेंज में उनका स्कोर गया है। 190 की रेंज में टीयर वन में स्कोर एक बहुत अच्छा स्कोर है, आप एज ले सकते हैं, आप सिलेक्शन बहुत अच्छी पोस्ट पे ले सकते हैं। तो 160 के आसपास अगर आप मॉडरेट स्कोर एक लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और 160 के आसपास कैसे पॉसिबल है? अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो 160 के आसपास स्कोर पॉसिबल है। सिंपल सा तरीका है भैया कि मैथ्स में 45 प्लस की तैयारी करो। नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, मैथ्स में 45 प्लस से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश का पेपर बहुत हलवा आ रहा है, आप सारे प्रीवियस लगाकर देख लीजिए, सारे के सारे पेपर्स बहुत इजी हैं। इंग्लिश में 45 प्लस से काम कतई नहीं चलेगा नीचे से। रीजनिंग में भी आप 45 प्लस की तैयारी कीजिए। अगर आप इतना करते हैं और उसके बाद जीएस में आप सिर्फ 30 क्वेश्चन भी सही बनाएंगे तो आपका टोटल 165 आ जाएगा। 165 इन एनी काइंड ऑफ शिफ्ट इज अ गुड स्कोर, यू कैन सी बाय योरसेल्फ। इट डजेंट मैटर दैट इन विच शिफ्ट दे अटेम्प्टेड द एग्जाम, बट इफ दे स्कोर्ड अबव 160 दे आर गेटिंग द स्कोर दियर स्कोर इन 190 रेंज। तो आप ये देख सकते हो यहां पर 158 था, फिर भी व्यक्ति के टोटल स्कोर 168 के आसपास हो रहा है। इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन काफी बेनिफिट कर रहा है अगर आपका स्कोर 160 के रेंज में है। तो मैं हमेशा से कहा हूं, ये आज से नहीं, मेरी जब भी आप स्ट्रैटेजी देखेंगे मैं 3 साल से यही कह रहा हूं कि आप 160 प्लस स्कोर करने का टारगेट रखिए। 160 प्लस स्कोर करेंगे आप टीयर वन में तो आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ एक अच्छी रैंक, एक अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन होगा, सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा आपका तब। ठीक है, तो अबव 160 टारगेट करिए आप, बाकी चीजें आप सब मैनेज कर सकते हैं। 160 टारगेट करना कोई मुश्किल नहीं है। 30 नंबर लाने के लिए आपको जीएस में 15 सवाल सही करने हैं। आप इतना जीएस पढ़ रहे हैं, ये टीचर वो टीचर, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, और फलाने कोर्स धमाके कोर्स, इतने सारी चीजें जीएस की कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 15 सवाल तो सही करके आएंगे ही। और अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स में 45 नहीं ला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मैथ्स और अंग्रेजी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर आप मैथ्स और अंग्रेजी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो सीजीएल भूल जाओ भैया, क्योंकि सीजीएल में मैथ्स और अंग्रेजी सीरियसली लेना पड़ेगा। तो सीधा सा फंडा ये है कि आपको टीयर वन में एटलीस्ट 160 प्लस, और अगर डिफिकल्ट है तो 150 नंबर तो लेकर आने ही हैं आपको टीयर वन में। अगर आपका स्कोर 160 है तो फिर वो मैटर ही नहीं करेगा आपका स्कोर, आप डिफिकल्ट शिफ्ट में थे या इजी शिफ्ट में थे, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज होकर ठीक हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर वो टीयर टू जैसा सिनेरियो नहीं होगा क्योंकि वहां सिर्फ मैथ्स थी। यहां 4 सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट बहुत इजी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। चारों इजी हो जाएंगे तो फिर आपको 190 लाना पड़ेगा, वो एक अलग केस हो गया, लेकिन ये आपके लेवल ऑफ शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको टीयर वन में 150 प्लस 160 के आसपास स्कोर लाना है। अगर आप इतना स्कोर लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सिर्फ कट ऑफ निकालने के लिए, अगर आप सिर्फ कट ऑफ निकालने की बात करेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं कि सिर्फ कट ऑफ निकालने के लिए डिफिकल्ट शिफ्ट में 130 भी आपका काम चल जाएगा, सिर्फ कट ऑफ निकल जाएगी आपकी। फाइनल सिलेक्शन के लिए फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फिर टीयर टू में मैथ्स और इंग्लिश में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो सिर्फ कट ऑफ निकालना 130 से भी चल सकता है काम, लेकिन आप जब तैयारी करके जा रहे हो तो अच्छे के लिए तैयारी करके जाओ, सिर्फ बेयर मिनिमम सिलेक्शन के लिए तैयारी मत करो, टॉप रैंक के लिए तैयारी करो, आप एक 4600 जी ग्रेड पे के लिए तैयारी करो। ये सारी चीजें मैं यूआर कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाले इसी हिसाब से अपने स्कोर कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि कितना होगा, कितना आपको सेफ स्कोर होगा। अगर मैं सिर्फ कट ऑफ निकालने की बात करूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 130 के आसपास स्कोर लाओगे तो आपका कट ऑफ निकल सकता है। इजी शिफ्ट में लाओगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन डिफिकल्ट शिफ्ट में और मॉडरेट शिफ्ट में 130 के आसपास लाओगे तो स्कोर कट ऑफ निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताइए अगर कोई बात मेरी ना पसंद आई हो, अगर कोई पसंद आई हो तो वो भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।